नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवशंकर साहू। आप देख रहे हैं वन टीवी भारत। अभी हमारे साथ देख सकते हैं वार्ड नंबर 7 सिंगिया नगर पंचायत से वार्ड नंबर 7 एक महिला कैंडिडेट जो है वार्ड पार्षद का नामांकन पर्चा दाखिल करके पूरे समर्थकों के साथ आए हुए। इनसे बात करेंगे और इनका समर्थक जो है उनसे भी बात करेंगे। मैडम अपना नाम बताइएगा पहले। पूनम कुमारी। अच्छा, एक महिला हो के आप इस राजनीतिक स्तर में क्यों उतरे हैं? क्योंकि वार्ड को विकास करना चाहते हैं और जनता को सेवा करना चाहते हैं। अच्छा, देखा जा रहा है, देखा जा रहा है कि जो आपके क्षेत्र में रहता है कि ज्यादा करके सड़क और विकास का जो बात होती है वो बस पेपर पे ही रहता है। जिस विषय में क्या रहा है आपका? अपना नाम बताइएगा। आप कैंडिडेट के साथ में आए हैं कि किन कारणों से इनको आप जिताने के लिए पूरा तत्पर हैं? क्योंकि वैसा कैंडिडेट थाना से पश्चिम सिंहिया में नहीं है। अच्छा, इसीलिए इसको कैंडिडेट में खार करके जिताना बहुमत मतलब विजय करना चाहते हैं। जो भारी मतों से जो कम से कम अपना थाना से पश्चिम अगर रहेगा कैंडिडेट वार्ड तो कुछ जैसे थाना से पश्चिम होता है इतना कादो कीचड़ बहुत कुछ रहता है लोगों को मतलब हर इंसान को परेशानी होता है। इसीलिए हम लोग इस कैंडिडेट को चुने हैं खुद और उसके बाद भारी मतों से लोगों को विजय बनाने के लिए चाहते हैं। और देखा जा रहा है, ये भी देखा जा रहा है। अपना नाम बताइएगा। संतोष कुमार। अच्छा, आप अपने महिला कैंडिडेट को आज नामांकन दाखिल करवाने लाए, किन कारणों से इनको राजनीतिक स्तर पर राजनीतिक क्षेत्र में उतारे हैं? इससे पहले क्या चुनाव लड़ चुकी है? नहीं, इन्होंने पहले चुनाव नहीं लड़ा है। कारण ये है कि मजबूत कैंडिडेट हमारे 7 वार्ड में कोई भी नहीं है जी। और पारस जी ने नगर पंचायत बनाने में अपना काफी योगदान दिया है, इस कारण से उनका मजबूत कैंडिडेट के तौर पे हम लोगों ने चयन किया है। और भविष्य में हम ये चाहते हैं कि पारस जी के द्वारा हमारे पंचायत में वार्ड में अच्छा कार्य हो, जिससे कि चोर चुट्टा जितना भी है उन सबको दरकिनार कर आगे बढ़ाया जाए और घुसखोरी किया है उस सबसे उजागर करके और आज को सबसे अच्छा पंचायत वार्ड सबसे अच्छा 7 वार्ड को ये आगे बढ़ाए, जिससे कि आगे चलकर ये पार्षद के तौर पे चुनाव लड़े। हम हमारी यही शुभकामनाएं इनके साथ। प्रदीप यादव। अच्छा, देखा जा रहा है कि आपके एरिया में जो कैंडिडेट है उस एरिया में खास करके सड़क जो है ज्यादा जर्जर अवस्था में रहती है, जब बारिश होता है तो उसमें हमेशा पानी जल जमाव में बनी रहती है, इसमें क्या रहा है? जी, हम कहना चाहेंगे कि हमारे वार्ड में आप जो अभी मुद्दा उठाए हैं पानी का जल जमाव, लगभग 5 वर्ष से जो है पानी का जल जमाव जो है रहता है, इसलिए जो है हम लोग जो है एकजुट होकर हम लोग महिला कैंडिडेट उतारे हैं पूनम कुमारी को। हम लोग जो है चाहते हैं कि पूनम कुमारी को जिता के विजय बनावे और जो जल जमाव जो हमारे वार्ड में है उस जल जमाव को दूर करे। अच्छा, पूनम कुमारी को और जो स्थानीय लोग हैं, क्योंकि ये जो है जात पात हर एक वर्ग का जो जाति है, भेदभाव किसी वर्ग के जाति से नहीं है, हर वर्ग के जाति को सम्मान देंगे, हर वर्ग के जाति को अपना जो है विचार देंगे और सम्मान के साथ हर जाति को जो है सम्मान के साथ जो है लेने का विकास का काम जा रहा है। कि नगर पंचायत चुनाव सिंगिया में एकास एक वर्ड के जो कैंडिडेट उतरे हैं, फिर भी आप लोग एक महिला कैंडिडेट उतारे हैं और पूरा लग रहा है कि जीत जाएगी, क्या कारण है कि जीत पाएंगे? जीतने का यही कारण है क्योंकि ये पहली बार खड़ा हो रहे हैं, क्योंकि जनता को हर एक बार बदलाव करनी ही चाहिए। ठीक है, जनता अगर हर बार किसी एक ही कैंडिडेट को हम लेते हैं तो क्या होता है, उनके मन में बहुत सारा बात जगने लगता है, जो कुछ आप तो अपने लिए कर ले, लेकिन पहली बार अगर हम किसी को दे रहे हैं तो वो सोचेंगे तो अगली बार सत्ता होने के लिए हम कुछ करें। और जैसा स्थिति है हमारे थाना से पश्चिम, जो बहुत गंदा स्थिति है। कौन सी थाना? सिंगिया थाना से पश्चिम जो है बहुत गंदा स्थिति है। उसके बाद हम लोग के वार्ड में भी जो नाला का निर्माण नहीं हुआ है, वो निर्माण करने का भी उद्देश्य से मतलब इनको कैंडिडेट का मतलब सपोर्ट कर रहे हैं और बनाएंगे, इनको भारी मतों से विजय बनाएंगे। और जो नाला जो है नाला आधा पे करके छोड़ दिया गया, उसको पूरा करने का काम भी यही जो है हमारे पूनम देवी जी जो है वार्ड सदस्य के तौर पे खड़े हुए हैं, यही करेंगे और ये करेंगे ही, क्योंकि इन्होंने मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि आपका वार्ड जो 7 नंबर है उसमें विकास होना चाहिए तो पूनम देवी को आप
ज्यादा से ज्यादा वोट देकर उन्हें जिताए, ताकि जो आपके क्षेत्र में जो विकास नहीं हुआ विकास हो, जो जर्जर सड़क की अवस्था है उन्हें दोबारा बनाया जाए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। Presenting One TV Bharat app, latest updates available on Google Play and Play Store it now.